हेलो फ्रेंड्स, डिस्कवरी एनी प्लस में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं गुवाहाटी असम में जो माँ कामाख्या का मंदिर है नीलाचल पर्वत में, वो माँ कामाख्या का दर्शन कराऊंगी। तो आइए मेरे साथ। तो अभी यहाँ पर अम्बुबाची मेला चल रहा है, तो मेले के लिए हम सुबह 7 बजे मंदिर के द्वार पे पहुंच गए हैं। और ये देखिए, भक्तगण पूरा रास्ता से माँ का दर्शन करने के लिए जा रहा है। और रास्ता का किनारे में ये पानी का ठेला लगा हुआ है, कोई भी दिक्कत नहीं होगा अगर आप लोग आएंगे। पानी, शरबत, चाय, ये सब सबका दुकान ऐसा लगा रहा है। कोई कोई लोग भक्तगण आदमी को फ्री में भी पिला रहा है। ये देखिए साइड में ये सब मंडी लगा हुआ है। ये देखिए पूरा रास्ता पैदल करके भक्तगण माँ के दर्शन के लिए जा रहा है। बच्चे, बूढ़े, औरत, माताएं और साधुगण सब पैदल जा रहा है। इतना कड़ी धूप में भी खाली पाँव यानी नंगा पाँव चल के जा रहा है। ये देखिए मैं भी आप आके पहुंच गई। पहले एक टर्निंग मिलता है, वो टर्निंग पॉइंट हम लोग पहुँच गए। ये देखिए बूढ़ी माता, माता का उम्र बहुत हो गया फिर भी ये चल के मंदिर तक जा रहा है। तो आप लोग भी आइए अम्बुबाची मेला। ये देखिए बैनर भी लगा हुआ है और रास्ते में कितना हरियाली है माँ का मंदिर तक जाने के लिए। अगर आप दूसरे समय आएंगे पूरे साल तक, तब नीचे से आपको गाड़ी मिलता है, बस भी मिलता है, सरकारी बस, वैन, ये सब मिलेगा। 30 रुपीज़ लेता है मंदिर तक जाने के लिए। लेकिन जब अम्बुबाची मेला होता है, मेला के टाइम में गाड़ी ऊपर तक जाने के लिए बंद कर देता है और आदमी लोग भक्तगण पैदल चल के जाते हैं। तो हम भी चल पड़े इन लोगों के साथ। तो देखिए कोई कोई भक्तगण माता का दर्शन करके नीचे भी आ रहा है, एक तरफ से जा रहे हैं और दूसरी साइड से टॉयलेट भी लगा हुआ है। सरकार की तरफ से बिना बिल रखे हैं आप लोग के लिए। माता के दर्शन के लिए ज़रूर एक बार आइए। देखिए कितना उत्साह से भक्तगण माँ के दर्शन के लिए जा रहे हैं। और ये देखिए रास्ते में कितना सुंदर नज़ारा, एक झरना भी दिखाई दे रहा है साइड में। बाहर से माता की डगर से ये रहा है। बहुत सारे धूप बहुत तेज है इसलिए। देखिए नजर साइड में आपको दवा खाना भी मिलेगा, डॉक्टर का जो भी आपका अगर दिक्कत होगा। और चप्पल, जूता, ये सब रखने के लिए भी छोटे छोटे घर बना के रखे हैं। आपका चप्पल, जूता, जो कोई भी है यहाँ आप सामान वगैरह रख सकते हैं। और ये देखिए इसका व्यू, यहाँ पर 2 टर्निंग मिलता है मंदिर तक आने के लिए। ये सेकंड टर्निंग पॉइंट है। देखिए यू जैसा, और इसका नज़ारा बहुत सुंदर है। अगर आप बस में या वैन में आएंगे तो ये नज़ारा आपको इतना अच्छा से नहीं दिखाई देगा, अगर पैदल आएंगे तो बहुत सुंदर लगता है। तो ये पार करके मैं माता के दरबार तक पहुँच ही गई हूँ। थोड़ी देर बाद माता का दर्शन भी हो जाएगा। ये देखिए इधर से आदमी लोग माता का दर्शन करके निकल के आ रहा है और दूसरी तरफ आदमी लोग माँ का दर्शन के लिए जा रहे हैं। और साइड में बहुत सारे दुकान भी लगे हुए हैं, वहाँ से आप सामान वगैरह खरीद सकते हैं। और अम्बुबाची मेला में माँ का पूजा नहीं होता है, माता का मंदिर का द्वार बंद रहता है, तो इसीलिए पूजा का सामान यहाँ से खरीदारी नहीं कर रहा है आदमी लोग। और अभी दुकान तो लगे हुए हैं मेला जैसा, आपको अगर कोई सामान खरीदना है तो खरीद सकते हैं।
तो आइए दोस्तों, हम पहुंच गए हैं माँ का दरबार की। पहला स्टेप ये देखिए, एकदम करीब हूँ मैं माता के। ये अंदर तक जाने के लिए सीढ़ी है और सीढ़ी से हम ऊपर तक जा रहे हैं। अभी आपको माता का दर्शन हो ही जाएगा। देखिए कितने उत्साह से मतलब भक्तगण आ रहे हैं। ये देखिए साइड में बूढ़ी माँ, उम्र बहुत हो गए है, फिर भी माँ के दर्शन के लिए वो लोग धीरे धीरे ऊपर तक आ रहे हैं। ये देखिए कितना माला, ये सब दुकान भी लगे हुए हैं। इधर पूजा का सामान सबको सबको मिलेगा यहाँ पर ही। देखिए एक साधु बाबा भी आ रहे हैं। यहाँ पर दुनिया के जितने भी साधु संत हैं, हमारे आसाम से बाहर यानी इंडिया के बाहर से भी भक्तगण यहाँ पर आते हैं। और धीरे धीरे मैं माँ के बिल्कुल करीब पहुँच रहा हूँ। ये देखिए गेट मिल गया और इस गेट के उस पार में ही माँ का मंदिर है। मेरा मन बहुत खुश लग रहा है क्योंकि इतना सारे भक्तगण के साथ मैं भी माता के दर्शन करने के लिए आ पाए हूँ। और फाइनली हम पहुँच गए हैं। ये देखिए माता का मंदिर। अभी राइट हैंड से नहीं जाने देगा, बाएं तरफ मुड़ के माता का मंदिर का परिक्रमा करूँगी। और मेरे साथ ये वीडियो अगर आप लोग देख रहे हैं तो आप भी माता का परिक्रमा कर सकते हैं। ये देखिए कोई कोई लोग परिक्रमा कर रहे हैं, तो बाएं से जाके इधर से हम माता का मंदिर का चक्कर लगाएंगे। बहुत देश विदेश से यहाँ संत यानी साधुगण आए हैं और कोई बैठ के माता का जप कर रहा है, कोई तपस्या कर रहा है, माता का भजन गा रहा है। आपको दिखाती हूँ, मतलब आपका दिल खुश हो जाएगा। मतलब जितना भी दुख दर्द होगा माँ के सामने आप आने से सब पतला यानी हल्का हो जाएगा। यहाँ पर देखिए बैठकर साधु संतों ने माता की आराधना कर रहे हैं। कोई कोई मेरे जैसा यूट्यूबर भी आए हैं, न्यूज़ चैनल भी आए हैं, सब लोग वीडियो भी बना रहा है माँ का मंदिर का। और फाइनली मैं परिक्रमा करने लगी हूँ। और ये देखिए कपड़ा के देके यहाँ का माता का मंदिर ढक के रखा है। तालाब है, तालाब में आप जाके पैर हाथ मुंह धो सकते हैं। कितने भक्तगण यहाँ पर बैठे हैं ये देखिए। मेरा मन बहुत हल्का हो गया यहाँ आके। ऐसा लग रहा है मेरा माँ का दरबार, मैं अपना माँ का घर में आई हूँ, तो आप लोग को भी अच्छा लगेगा। देखिए देखिए इतने सारे लाखों की तादाद में यहाँ भक्तगण आए हैं। देखिए सब लोग मंदिर का परिक्रमा कर रहे हैं। मैं जब सुबह आया तब इतना नहीं था, अभी थोड़ा टाइम हो गया, अभी तो बहुत सारे भक्तगण आए। चलिए अगर आप अमावस्या मेला में ऐसे दूसरे टाइम पर आएंगे तो इधर से माता का मंदिर तक घुसने का ये द्वार है। और ये है
त्रिपुरा माँ का जो इस हिस्से में है, आपको एकदम नज़दीक से दिखाता हूँ। जो ये पिलर देख रहे हैं, ये कबूतर वगैरह नीचे में है, इस पिलर के अंदर ही माँ का गर्भगृह है। बहुत सारे लोगों ने मन्नत करके ये कबूतर यहाँ पर छोड़ के गए हैं, और लोग सिंदूर भी लगा रहा है। और ये देखिए कितने सारे भक्तगण माँ के मंदिर के बाएं तरफ थोड़ा चिड़ी है, यहाँ पर बैठ के माँ का आराधना तपस्या कर रहे हैं। नज़ारा देखिए दोस्तों, निवासी अजय राय आपके खोजे यशोदा राय दाड़ी। भक्तगण माँ का दरबार तक आ रहा है और बाएं तरफ से हम लोग निकल के बाहर तक आ गए। तो दोस्तों ज़रूर आप लोग आइएगा माता का दर्शन करने के लिए। तो कैसा लगा हमारा वीडियो देखे ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।